वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम गार्डनिंग की बात करेंगे। गार्डनिंग सेक्शन में आज हम बात करेंगे बरोज टेल के बारे में। बरोज टेल एक कैक्टस है। ये एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है। इसकी जो लीव्स हैं ये लटकती हैं स्टेम्स के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत बारीक बारीक ढेरों लीव्स होती है, ब्लू ग्रीन कलर की। देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगती है दोस्तों। और ये मेनली हैंगिंग प्लांट है, इसे जब हैंग करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो सीडम मैग्नेनियम है, और इसको हम लोकल भाषा में डंकी स्टेल भी कहते हैं। वैसे इसका ओरिजिनल नाम बरोज टेल है। तो आज हम बात करेंगे इस खूबसूरत प्लांट की केयर के बारे में। इसकी जो खूबसूरत लीव्स है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसकी जो केयर है बहुत ही ईजी है। इसे ब्राइट सनलाइट चाहिए। अगर इसे ब्राइट सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये पेल हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, इसकी पत्तियाँ घिरने लगेगी। तो इसे आप ऐसी जगह रखें जहाँ से 4 से 5 घंटे की ब्राइट सनलाइट मिले इसे। जहाँ तक वाटरिंग का सवाल है, इसे आप मॉडरेट वाटर करें। वाटर करें तो मिट्टी सूखने के बाद में करें, और वाटर भरपूर करें। ओवर वाटरिंग ना हो इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल का इस्तेमाल करें। वेल ड्रेन्ड सॉइल में जितना हो सके 50-60% सैंड का इस्तेमाल करें। वर्मी कंपोस्ट इसके लिए बहुत ही बेहतर खाद होती है। तो दोस्तों जब आप सैंड और वर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर के अंदर इसे ग्रो करते हैं तो वो सॉइल वेल ड्रेन्ड होती है, उसमें वाटर लॉगिंग नहीं होती है। और आप ज़्यादा पानी अगर गलती से पिला भी देते हैं तो वो पानी बाहर निकल जाता है और आपका प्लांट ख़राब नहीं होता है दोस्तों। अगर इसकी पत्तियाँ घिरने लगे तो आप उसे बिल्कुल सारी पत्तियों को हटा दें तो उसके ऊपर नई नई स्टेम्स आने लगेगी, नई नई पत्तियाँ आने लगेंगी और ये फिर से वापस हेल्दी हो जाएगा। तो जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है, इसे हमें सर्दियों में फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए क्योंकि ये उसका डोरमेंट पीरियड होता है। डोरमेंट पीरियड में फर्टिलाइज़र का कोई उपयोग नहीं होता है। इसे फर्टिलाइज़र देने का सही समय है मार्च महीने से सितंबर महीने तक। मार्च से सितंबर महीने तक हर महीने आप इसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें। और फर्टिलाइज़र की जो रिकमेंडेड डोज होती है, यानी कि जो आप देखते हैं कि हमें इतना फर्टिलाइज़र देना चाहिए, उससे आप थोड़ा सा कम फर्टिलाइज़ करें। इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। इसके प्रोपेगेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। इसका प्रोपेगेशन बहुत ही ईजी होता है। लीव्स के द्वारा होता है और स्टेम के द्वारा भी होता है। कुछ समय पहले हमने इसे प्रोपेगेट किया था, वो मैं आपको बताऊँगा। फ्रेंड्स, इसका जो प्रोपेगेशन है बहुत ही ईजी है। लीव से भी होता है और स्टेम से भी होता है। आप एक लीव लीजिए, उसे इस तरीके से आप पुश कर दीजिए, ये प्रोपेगेट हो जाएगी। आप एक स्टेम लीजिए, उसे कट करिए, इस तरीके से पुश कर दीजिए, वो ग्रो हो जाएगी। तो इसका प्रोपेगेशन बहुत ही ईजी होती है, जो लीव्स और स्टेम दोनों से होता है। कुछ समय पहले हमने ये दो जो स्टेम्स हैं इन्हें प्रोपेगेशन के लिए लगाया था। आइए देखते हैं क्या रिजल्ट है इसका। इसके अंदर जो रूट्स का डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ही बारीक बारीक रूट्स है। तो अभी हमें इसे और मिट्टी में रहने देना होगा। अगर इसकी पत्तियां खिरने लगे तो इसकी जो लीव्स हैं उसे हम बिल्कुल स्टेम से हटा दें। जब हम इसकी लीव्स को स्टेम से हटा देंगे तो कुछ इस तरीके से नई ग्रोथ होगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल बॉन्साई हंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ लेके आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।